अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी सूजी के हलवे की रेसिपी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें 1 कप सूजी है, 1 कप ही हमारे पास चीनी है और 1 कप ही हमारे पास घी है। इन सब की क्वांटिटी सेम होती है और पानी की जो क्वांटिटी होती है वो इसके ट्रिपल होती है, यानी कि 3 कप हमें पानी चाहिए। तो चलें अभी हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सूजी को हमने ड्राई रोस्ट करना है, इसलिए हम अपने खाली पैन में चूल्हा जला के सूजी ऐसे ही डाल देंगे। घी के साथ हम इसको फिलहाल रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हल्की आंच पे स्टर करते हुए हमने रोस्ट करना है। इसको कलर देना है, इसको नीचे लगना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। अगर हम तेज आंच पे इसको हम रोस्ट करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको हल्का सा खूबसूरत सा कलर देना है, स्टर करते रहना और आंच हमने इसकी हल्की रखनी है। यहाँ सूजी पे हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया, इस स्टेज पे खास ख्याल रखना है, बिल्कुल सूजी का जो सूजी को जलना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने इसको बहुत ज्यादा हिलाना है और जो है इसकी आंच का आपने ख्याल रखना है कि कम रहे, और बिल्कुल आपने इसको हर जगह से सेम कलर देना है। इसको आपने जलने नहीं देना और बिल्कुल इसमें स्मेल भी नहीं आनी चाहिए जलने की। इसको हल्का सा हम और थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि इसमें और अच्छा सा कलर आ जाए और इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। यहाँ पे ये ड्राई रोस्ट हो गया, इसको तकरीबन 10 मिनट लगे हैं ड्राई रोस्ट होने में। अभी इस स्टेज पे हम जो मैंने आपको घी लिखवाया था 1 कप वो हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको भूनेंगे। वैसे तो ये 2 से 3 टेबलस्पून घी में भी बन जाएगा, लेकिन वो बात नहीं होती, हलवा नरम नहीं रहता। जो रेसिपी है उसमें जो इन तीनों की क्वांटिटी है, सूजी, घी और चीनी, इनकी क्वांटिटी सेम होती है। चीनी अगर आप हल्का रखना चाहती हैं तो रख लें, लेकिन घी 1 कप ही डलेगा। इसी रेसिपी से हलवा आपका ठीक बनेगा और ये नरम रहेगा और ये 2 दिन तक भी ना ख़राब होगा और ना ही इसमें कोई फंगस वगैरह लगेगी। अभी घी डाल के इसको हमने 5 मिनट तक भून लिया। अभी जो मैंने आपको चीनी बताई थी 1 कप से हल्की सी कम ही मैंने ली है, अभी हम ये डाल के इसको भूनेंगे, इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप इसमें येलो या ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकती हैं। मैं फूड कलर को अवॉइड ही करती हूँ, मैं नहीं डाल रही, लेकिन अगर आपने डालना है, बाद अवकात ये होता है कि बच्चे नहीं खाते और कहते हमें ऑरेंज या येलो हलवा ही चाहिए, तो फिर आप इस स्टेज पे 1-2 ड्रॉप्स कलर डाल सकती हैं, और अगर आपके पास पाउडर्ड कलर है तो फिर 1-2 चुटकी आप डाल सकती हैं। बस यहाँ पे हमने इसको मिक्स किया, बाकी जो चीनी का दाना है वो पानी में ही हल हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको 3 कप पानी लिखवाया था वो हम इसमें डाल देंगे। सूजी काफी ज्यादा फूल जाती है, इसलिए 1 कप से भी काफी ज्यादा हलवा बन जाता है। इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है और अभी हम आंच बिल्कुल हल्की करके इसको कवर करके पकने रखेंगे। और इस स्टेज पे आपने जो भी नट्स डालने हैं, जितने भी डालने हैं, खोपरा, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये सब आप वॉश करके, छिलका उतार के, किशमिश की डंडियां उतार के इस स्टेज पे आप इसमें डाल सकती हैं। तो अभी हम इसको दम पे रखते हैं ताकि दम पे अच्छा सा पक जाए। इसको 3 मिनट हो गए दम दिए हुए, अभी हम देखते हैं कि हमारा हलवा कुक हो गया कि नहीं। ये देखें यहाँ हमारा हलवा पक रहा है, बस इतना ही दम इसके लिए काफी है। ये देखें ये कितना नरम हमारा हलवा है, इसको अब हम थोड़ा सा कुक करेंगे। यहाँ पे अभी हम इसको कुक कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे, लेकिन इसको हमने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना कि इसको ड्राई करना है उस वक्त तक, तब तक उस वक्त जब तक कि घी ना छोड़ दे, ऐसे हमने नहीं करना, क्योंकि हम इसको रोस्ट कर चुके हैं। अगर हम इसको सख्त कर देंगे भून भून के तो फिर ये पड़े पड़े और सख्त हो जाएगा, तो हमने इसको नरम ही रखना है। ये देखिए जी ये पक रहा है, ये जो घी ऊपर अलग से नजर आ रहा था ये इसके अंदर जो है डिजोल्व होना शुरू हो गया, ये अभी हमें नजर आना बंद हो गया और इसके जो बबल्स हैं वो भी बनने लग गए हैं। बस ये हमारा हलवा रेडी है, आप इसी स्टेज पे इसको बंद करेंगे और सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा इंस्टेंट सूजी का हलवा रेडी है। आप इसको पूड़ियों के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, नट्स वट्स डालने हो तो आपकी मर्जी है, और बहुत नरम बना है। ये आप 2 दिन तक रख दें तो ये खराब नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।